एक व्यक्ति है वकील सेन, उस दिन अगर उनका पेट खराब नहीं होता, ना ही वो पत्र लिखते और ना ही इंडियन रेलवे में जो है तो लेट खाती, अगर आती भी तो लेट से आती। रेलवे ने प्रकट करा और उस वक्त से जो है वो रेलवे ने अपनी कोशिश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी टॉयलेट को। कैसे हो आप लोग? अरे आप लोग सब मैसेज कर रहे थे बारे बारे में। रुक जा भाई, हाथ सब मिलाने दो। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत आप सबको एक नए ब्लॉग में। ब्रूनो रुको 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 रुको, ये है ब्रूनो, अमिनो भाई का पेट। ब्रूनो ब्रूनो इधर आओ। कुछ नहीं है अभी तो, खाने का कुछ नहीं है ब्रूनो। साहिबगंज से आज मैं राजमार्ग की ओर जाऊंगा और अभिनव भाई तो दिल्ली चले गए, बट ये ब्रूनो को बाइक। ब्रूनो किधर जा रहे घूमने? इनके यहाँ पे जब से हूँ ना तब से ये ब्रूनो जो है पहचानने लगे। कल जैसे वो दिल्ली गए वैसे ये मुझसे आके पूछने लगे कि कहाँ गए भाई। ब्रूनो इधर हो, इधर इधर इधर, जल्दी हो, जल्दी जल्दी इधर आओ, इधर इधर। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैं आज यहाँ से, जैसे कि आपको तो पता चल ही गया होगा, मतलब जो भी आपने हाईलाइट में देखा, मैं अब यहाँ से राजमहल की ओर जाऊँगा। और सुबह में नहा लिया हूँ तो बहुत लंबी जर्नी होगी आज, कन्हैया स्थान तक जाऊँगा। तो चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं और निकलते हुए जो भी चीज़ें बन पड़ेगी वो मैं दिखाऊँगा रास्ते में। बाय टाटा। चलो आता मन ठीक है। देखो ब्रूनो भी साथ साथ में जा रहा है हमारे। ये देखो भाई साहब हमसे पहले निकल गए आगे। टाटा ब्रूनो आता हूँ, ठीक है। मैं निकल गया फाइनली। चलिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे हमारे बाएं और जो शख्स है आप इनसे नहीं मिलेंगे ना, और अभिनव भाई के ब्लॉग में भी बहुत ज्यादा नहीं देखे होंगे इनको। एक बार देखे थे, वो जगह शेड हुआ तभी देखे था। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि अभिनव भाई के छोटे भाई हैं और ब्रूनो हमारा फैमिली मेम्बर, मतलब अब मेरा भी ये परिवार बन गया और ब्रूनो अच्छे से पहचानने लग रहा है। तो अब हम यहाँ से होते हुए वो झरना, कौन सा झरना है? मोती झरना, मोती झरना को जाएंगे। सॉरी गाइस मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कभी तो। मोती झरना, कन्हैया स्थान। हाँ आज वैसे कन्हैया स्थान जो है वो मेरा लास्ट स्टॉपेज होगा, फिर वहाँ से राजमहल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। कन्हैया स्थान भी तो राजमहल से ही कन्हैया स्थान है। बीच में मुझे महाराजापुर साइड मिलेगा ना, महाराजपुर, वहाँ के बारे में भी कुछ दिलचस्प कहानियाँ बताऊँगा। चलिए आप बने रहे, पूरा झारखंड घूम रहे हैं। सुबह का वक्त और बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं, काफी बच्चे भी। यो आजकल का ट्रेंड भी चला है, बच्चे भी करते हैं यो। तो सामने एक विद्यालय है हमारे, उसी विद्यालय के ये सारे छात्र हैं। कौन से स्कूल से हो आप लोग? संजेवियर से हो। ओके गुड डे बाय संजेवियर, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। निकलते वक्त एक और शख्स जा रहे हैं स्कूल। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, निकल रहे हैं। हाँ निकल रहा हूँ मैं, ऐसा मैंने सोचा था कि कल मुलाकात नहीं हो पाएगी बट मिलना था। ये चटोरी रेस्टोरेंट के ऑनर है और आप यहाँ पे आए, बड़ा ही टेस्टी खाना है, पहले दिन उन्होंने जनाब ने खिलाया मुझे खाना, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से फिर, है ना? जरूर जरूर, फिर आप आइए, माघ पूर्णिमा में आएंगे, आइए पक्का आइए, हम लोग हम फ्री रहेंगे फिर, आप हम और आप चलेंगे फिर। जरूर जरूर, अब आप ही लोग पे दारमदार है, घुमाएंगे आप लोग। ठीक है ठीक है, चलिए आगे दीजिए, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय। ठीक है आराम से। हाँ जरूर जरूर, ये रेल यातायात की जो पटरियाँ हैं साहिबगंज की वो है। रेल यातायात से संबंधित कुछ बहुत आवश्यक चीज़ें जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि साहिबगंज से संबंधित है। आपको भी सुन करके ये हैरानी होगी मैं जिसको आगे जा करके बताने वाला हूँ। वैसे आगे कौन सा चौक मिलेगा मुझे? सुभाष चौक मिलेगा, एसपी ऑफिस के बिल्कुल करीब। तो ये रास्ते साहिबगंज जिला मुख्यालय की ओर जाती है और ये सुभाष चौक, और इधर से मैं होते हुए राजमहल जाऊँगा। भाई को थैंक यू आप मुझे यहाँ तक ज्वाइन किए, अभिषेक भाई थैंक यू, मिलते हैं फिर आएंगे। थैंक यू सो मच, आएंगे फिर। घर से दूर हूँ बट कभी भी अंकल आंटी ने या फिर भाई ने महसूस नहीं होने दिया यार इस बात का। तो ये वाली बात जो है वो हिट करती है दिल में भी, कि
मुझे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, बट वो भी मुझे इतना अपना मानते हैं। तो जो ये प्यार मिलता है ना, उस प्यार के बदौलत, उसी भरोसे पे जो है वो मैं पूरे यात्रा को संभव कर पा रहा हूँ। मतलब इस पूरे यात्रा में पहले ऐसे इन्फ्लुएंसर थे, पहले ऐसे यूट्यूबर थे, पर झारखंड घूम रहे हैं अंकल, ऐसे पहले झारखंड के ब्लॉगर जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने झारखंड को रिप्रेजेंट किया, वो इतना प्यार देंगे, उनके घर में इतना सम्मान मिलेगा, उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अब तक इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए और अब बिस्वा जिला है, कई सारे ब्लॉगर थे रांची में, कई सारे ब्लॉगर थे आपके जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में, पलामू रेंज में, हजारीबाग में, बट किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं करा, मैंने किया तो रिस्पॉन्स नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई यार। बट उनमें से एकमात्र ऐसे यूट्यूबर ने ना किसी पे अप्रोच किया, ना कि उन्होंने बस सिर्फ पोस्ट किया, बल्कि अपनी पैनी नज़र बनाए रखा था उन्होंने। मतलब ऑल द टाइम वो ट्रैक करते थे कि अभी भाई कहाँ पहुँचे, अभी कहाँ तक क्या कुछ हुआ, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ों में जो खबर बनाए रखे थे, ऐसा जैसे कि अपने भाई हों। और भाई हैं जाहिर सी बात, अब ऐसा इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे होस्ट किया, बल्कि उनकी तारीफ इसलिए की जा रही है यहाँ पे क्योंकि उन्होंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया, और चाहते तो क्या पड़ा था उनको, नहीं भी करते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऊपर से झारखंड के लिए ही कोई कर रहा है तो उन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया। अभिनव भाई को और पूरे परिवारजनों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। तो बताना चाहूँगा, चलते चलते ये साक्षरता चौक आ गया है सामने, और बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग यहाँ दर्शाई गई, जहाँ पे सभी बच्चे जो है अब हाईटेक एजुकेट हो रहे हैं, और कईयों के हाथ में किताब देखी जा रही है, और कईयों के हाथ में जो है वो पेड़ देखी जा रही है जिससे वो सीख सके। ये पूरे रास्ते चलते चलते मुझे सड़कों के दाहिनी ओर, मतलब बाईं ओर जैसे मैं चल रहा हूँ, उधर से होते हुए मुझे सी पर सिर्फ रेलवे ट्रैक मिलेगी, और रेलवे ट्रैक से तकरीबन 3000 किलोमीटर के बाद गंगा रिवर साथ साथ में मिलेगी। इस वक्त मैं अगर गलत नहीं तो जमनी फाटक में हूँ, और यहाँ से महाराजपुर जो है वो 6 किलोमीटर, मोती झरना जहाँ पे मैं जाऊँगा आज तो वो 8 किलोमीटर, और राजमहल तकरीबन 29 किलोमीटर। मतलब यहाँ से और 29 किलोमीटर की जर्नी जो है कंप्लीट करनी है मुझे। तो एक बात मैं बताना चाह रहा था आपको साहिबगंज के बारे में, और रेलवे से संबंधित बात। आप रेलवे कोचेस में जो टॉयलेट्स देखते हो ना, वो टॉयलेट सर्वप्रथम यहाँ के ही घटना ने जो है प्रेरित करा था कि टॉयलेट बनाने चाहिए। कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, और आपने सुना होगा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक व्यक्ति हैं वकील सेन, उस दिन अगर उनका पेट खराब नहीं होता, ना ही वो पत्र लिखते और ना ही इंडियन रेलवे में जो है टॉयलेट खाती, अगर आती भी तो लेट से आती। कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, अहमदपुर रेलवे स्टेशन के आसपास वो उतरते हैं साहिबगंज के ही व्यक्ति, और माना जाता है ऐसा कि वो ट्रेन से उतरते हैं बाथरूम करने के लिए भी थे लौटा, जैसा कि पहले होता था। अब ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है, अब लगे वो एक हाथ में लौटा एक हाथ में धोती संभाल करके दौड़ने। तो भैया कुछ इस प्रकार से कहानी थी कि ट्रेन छूट गई, छूटी तो उन्होंने साहिबगंज डिवीज़न में जो है उन्होंने एक लेटर दिया, और वो लेटर फिर ऊपर गई। बात 1909 की है कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि यात्रियों को असुविधा है, तो यात्रियों की उस असुविधा का खेद रेलवे ने प्रकट करा, और उस वक्त से जो है वो रेलवे ने अपनी कोशिश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी टॉयलेट को। बाय बाय। तो कुछ ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हैं जो कि रेलवे और साहिबगंज का नाता जो है, जिससे पूरे देश भर को उन्होंने कुछ सौगात दी, इंडियन रेलवे में टॉयलेट का इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया। ये सकरी गली का इलाका है, और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, बगल में मेरे बाईं और जो रेलवे स्टेशन है। साहिबगंज के 9 प्रखंडों में से एक ये तालझारी प्रखंड है। सकरी गली को पार करते हुए कुछ लोग जो है वो मेरा बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं। तो यही सभी भाई है जो सुबह से मेरा वेट कर रहे हैं। आप ही लोग हैं? कैसे हो आप लोग? अरे आप लोग सब मैसेज कर रहे थे बारी बारी में। अरे अरे पानी दीजिए। रुक जा भाई, हाथ सब मिलाने दो। साइड हो जाए। और कोई बाकी रह गया? नहीं। अच्छा पहले पीछे भैया पानी ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इन सबों का बड़ा प्यार है भाई, सुबह से वेट कर रहे हैं मेरे लिए। मतलब कोई तो मैसेज कर रहा है कि
सुबह से खाली पेट में आपका ही वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोल दिया था भैया वीडियो बनाने तो उसके बाद हम ही कर लेंगे। तो इन भाइयों के साथ मिल करके अभी मैं यहाँ का बंदरगाह पहले देखने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर बंदरगाह देखने के बाद हम मोती झरना की ओर चलेंगे। कितना दूर का बंदरगाह है? एक किलोमीटर। एक किलोमीटर नवनिर्माण है ना।